हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सत्यम इन्फोटेक पे। गाइस, अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने रिवार्ड पॉइंट को कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसमें रिवार्ड पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं और आप उनको कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। गाइस, आपको पता ही होगा रिसेंटली HDFC बैंक ने अपने काफ़ी सारे कस्टमर को क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड ऑफर में लाइफ टाइम फ्री दिए हैं। मुझे भी ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिला है और ये भी प्री अप्रूव्ड ऑफर में ही मिला है। तो अगर आप इस कार्ड का फर्स्ट लुक और फर्स्ट इम्प्रेशन देखना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। सो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप अगर उसका रेगुलर यूज करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन स्पेंड करते हैं या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर आप किसी ग्रोसरी का सामान खरीदते हैं या फिर कुछ भी आप खरीदते हैं, फ्यूलिंग करते हैं, तो आप अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते होंगे तो आपको बहुत सारे रिवार्ड पॉइंट मिलते होंगे। तो अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट इकट्ठे हो चुके हैं और आप उनको अगर कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सो गाइस, मेरे पास ये जो कार्ड है ये मैं लगभग 3 मंथ से इसको यूज कर रहा हूँ और मेरे पास काफ़ी सारे रिवार्ड पॉइंट इकट्ठे हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप इस पॉइंट को कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और HDFC बैंक के ऐप का यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे रिवार्ड पॉइंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल में ही ऐप इंस्टॉल होता है, तो मैं आज आपको इसी ऐप के माध्यम से दिखाता हूँ कि आप कार्ड के रिवार्ड पॉइंट को कैसे रिडीम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना HDFC बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग का एप्लीकेशन है इसको आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर 3 डॉट दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 नंबर पे दिखाई देगा कार्ड का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने कार्ड चूज करना है जिस कार्ड का आप रिवार्ड पॉइंट रिडीम करना चाहते हैं। तो मेरे मिलेनियम कार्ड में रिवार्ड पॉइंट पड़े हैं तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे शो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपके पास कितने रिवार्ड पॉइंट हैं। मेरे पास 2450 रिवार्ड पॉइंट है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, लास्ट के ऊपर एक आपको ऑप्शन दिखेगा रिडीम रिवार्ड पॉइंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ ऐसा टैब दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक दिखेगा प्रोडक्ट कैटलॉग, दूसरा इंस्टा वाउचर, थर्ड ऑप्शन पे रहेगा कैश और फोर्थ पे रहेगा ईयर माइल्स। तो हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें कैश में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस कैश के ऊपर क्रेडिट करता हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने वाली बात है, यहाँ पे मुझको 1132 कॉइन दिख रहे हैं और जो कि मुझे वहाँ पे 2450 पॉइंट दिखे थी। तो जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट जो बच रहे हैं ये मुझे अगले मंथ रिडीमेबल हो जाएगा, मतलब मैं उसको अगले मंथ निकाल सकता हूँ पैसा। तो यहाँ पे आपको कैश के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा वेट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिस पे आपको दिखेगा कि अवेलेबल पॉइंट एंड इक्विवेलेंट अमाउंट INR में, मतलब जैसे कि मेरा कार्ड है मिलेनिया कार्ड तो इस पे 1 पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये होती है। तो ऐसे ही आपका जो कार्ड होगा आप उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे इंटर पॉइंट और रिडीम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पॉइंट लिखना है जितना आप पॉइंट रिडीम करना चाहते हैं, तो मुझे पूरा पॉइंट रिडीम करना है। यहाँ पे इसको करके आपको नीचे यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फाइनली यहाँ पे टिक मार्क पे टिक लगा के उसके बाद नीचे रिडीम नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे कुछ कन्फर्मेशन मांगेगा तो आपको इसको कन्फर्म कर देना है। फाइनली आपको देख सकते हैं कि आपका लिखा है योर कैश रिडीम्सन रिक्वेस्ट फॉर रेस 1132 इज टेकन अप फॉर प्रोसेसिंग। मेरा ऑर्डर नंबर दिख रहा है, इसका मतलब कि मेरा जो ऑर्डर है कैश पॉइंट रिडीम करने का वो ऑर्डर हो चुका है। अब हम वेट करते हैं कि ये मतलब ये मेरे कार्ड में कब तक रिफ्लेक्ट होता है। तो जैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में इसकी जानकारी दे दूंगा। तो इसके ऊपर बैक टू शॉप पे करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पॉइंट जो है यहाँ से कट चुके हैं। तो चलिए पहले हम इसको लॉगिन करके देखते हैं कि अभी अपडेट हुआ है या फिर नहीं। तो मैं अपना ऐप ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। चलिए मैं यहाँ पे पहले चेक करता हूँ मेरे पास कितने पॉइंट अवेलेबल हैं एंड जो मैंने पॉइंट रिडीम किया वो अभी तक एडजस्ट हो गया कि नहीं मेरे बिल में। तो मैंने यहाँ पे अपना कार्ड ओपन कर लिया है। इसके बाद शो मोर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पॉइंट आप देख सकते हैं अभी 2450 दिख रहा है, मतलब ये मेरा ऑर्डर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। वैसे भी मतलब इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि जैसे
हाँ मतलब कुछ प्रोसेस होता है, तो इस पर आपको 1 से 2 घंटा, इसके बाद आपका जो है बिल में अमाउंट सेटल हो जाएगा। तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।